Hello guys, my name is Sunil. In this video, I want to share you some good memory when I visited Qutub Minar, and it is also known as the another name is Mehrauli City. So guys, watching this video with my best moment when I with. तो ये पहुंच गए हैं हम कुतुब मीनार और देखिए ये कुछ फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी, ये देखिए मज़ा आ गया दोस्तों। यकीन मानिए जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम जस्ट नीचे होते हैं इसके और एकदम से सीधे खड़ी इमारत जो इतनी प्राचीन है, जिसके बारे में हमने बचपन से सुना है, वो चीज़ हमारे सामने ही हो बिल्कुल, जिस इमारत को खड़े होने जिस पॉइंट पर खड़ी हुई उसी पॉइंट पर हम लोग होते हैं ना, तो बहुत आनंदित फील होता है। मैं भी रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि जब भी अगर आपको आना हो तो एक बार ज़रूर आएं दिल्ली का मेहरौली सिटी, क्योंकि दोस्तों आप जैसे भी गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में और भी वीडियोस देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह इनका एक सल्तनत था, इनका यह कैपिटल था, तो इन्होंने ही यह सिटी को बसाया था, शहर को बसाया था, और यहीं पे उन लोगों के मकबरे वगैरह भी है, अभी आप आगे देखिएगा वीडियो में। और ये पुराना ही जो बना हुआ है पूरा शहर, उसी पूरे शहर को मेहरौली शहर कहा जाता है, और वहीं पे है ये दिल्ली का। और दोस्तों एक और बात, जो आप एक सामने देखोगे ना, वो जो सामने दिख रही है वो एक और सेम टू सेम ऐसे ही मीनार बन रही थी, बट वो शायद इनकम्प्लीट है, इस नहीं हो पाई कंप्लीट, इस वजह से वो आज भी अधूरी है। और हाँ एक बात दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आपके पास पेटीएम या फ़ोनपे वगैरह से आप इसके एंट्री गेट पे जाते ही आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को का एक बारकोड के बोर्ड लगे होते हैं, उसको स्कैन करके आपको नॉर्मली 30 रुपये की फ़ीस लगती है, और आप चले जाते हो, वो जो उसमें जो बारकोड जनरेट हो जाता है, और उस बारकोड को मेन गेट पे दिखाना होता है, उस बारकोड को मतलब मशीन पे ऐसे दिखाते हैं, वो मशीन स्कैन करते ही तो ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री मिलती है। दोस्तों दिल्ली में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे किसी भी जगह को विजिट करने जाओगे आप, तो वहाँ जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या तो किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम बना होगा, या तो वहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा, या तो नहीं तो आप नज़दीक में आजू बाजू वहीं पे देखोगे कि आपको बारकोड मिलेगा, बारकोड स्कैन करके ही आपको एंट्री दी जाएगी। देखिए ये है जो यहाँ के कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जो है, इन्हीं की समाधि वगैरह यहाँ पे है, मकबरे वगैरह। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो नॉर्मली दिल्ली में तो प्रॉपर है, लेकिन जैसे MP वगैरह में मैं किसी भी शहर में नहीं देखा, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बहुत नुकसान होता है और ना ही उसका सही मेंटेनेंस हो पाता। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साइट है इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होता है। देखिए क्या व्यू है दोस्तों, ये जो व्यू देख रहे हैं आप, ये उसी सिटी मतलब वहीं से थोड़ा दूर जाने पर जो टूटी हुई इमारतें हैं, जो गेट वगैरह हैं उस समय पर, कितना बढ़िया दिख रहा है। और देखो किस तरीके से जब दीवारें इतनी मोटी मोटी हैं, तो कितना बड़ा शहर और कितना विशाल शहर रहा होगा दोस्तों। देखिए ये एक गुम्बद जैसा बना हुआ है, इसमें आप देखोगे अंदर इन सब में मकबरे बने हुए हैं, और वो जो सामने दिख रहे हैं उसमें एक और ऐसे ही मीनार बनने वाली थी। देखिए कितना अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, यदि हम MP के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से
या तो टूरिस्ट लोगों को सही नॉलेज नहीं हो पाता कि जाना कैसे है, टिकट कहाँ से मिलेगी। लेकिन यहाँ दिल्ली में भी देखता हूँ मैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है या तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे पेटीएम फ़ोनपे वगैरह के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, तो उनके बारकोड हर जगह हर टूरिस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप जाओगे और तुरंत स्कैन करके आप फीस पे करते हो और आपको टिकट मिल जाती है, और टिकट को मेन गेट पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो चेक करके आपको छोड़ देते हैं। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा यहाँ दिल्ली में स्पेशली। अब दोस्तों कुछ और बातें जो कुतुब मीनार के बारे में बता देता हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि कुतुब मीनार, मतलब कुतुब मीनार में एक रास्ता है और हैवी गेट मैंने देखा है, तो वो रास्ता जो है नीचे से पूरा ऊपर तक जाता है। तो क्या होता था कि कुछ सालों पहले 27 या 28 साल पहले तक इसमें लोग ऊपर चढ़ते भी थे और आना जाना उनका लगा हुआ था, लेकिन एक घटना हो गई। एक घटना वो ऐसे कि बहुत सारे लोग ऊपर गए थे तो शायद ऊपर से भगदड़ मच गई अंदर, और उसी वजह से शायद बहुत सारे लोगों को जान गंवाने पड़ी, ऐसा एक स्टोरी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आज गेट को नीचे से बंद कर दिया गया है और एंट्री अलाउड नहीं है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जैसा कि यहाँ पे जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है, तो और ये वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो ये एक स्टोरी अलग है जो बिल्कुल सत्य है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि जो कुतुब मीनार है वो एक पुराने समय में जो वराह मिहिर की वेधशाला वगैरह है उसी को बनाया गया है। तो आई डोंट नो यह फैक्ट सही है या नहीं, बट इट्स ट्रू कि यहाँ पे ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में की साइड में भी लिखी हुई है, और आप वहाँ पे जाओगे तो मेहरौली जाओगे कुतुब मीनार में, तो वहाँ पे एंट्री गेट पे ही आप जाओगे तो और पढ़ोगे तो वहाँ पे गेट पे भी लिखा है कि इस कुतुब मीनार की जगह पे कितने लगभग में 700 या कुछ हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है, या तो तोड़ के नहीं किया गया होगा तो शायद उन्हीं की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया होगा, तो ऐसा वहाँ पे प्रॉपर लिखा भी है और उनके जो स्थल हैं उसी वो मिलते भी हैं, प्रूफ भी मिलते हैं। इसी वजह से शायद जो हिंदू और जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो बोलते हैं कि यह एक वैधशाला है जिसको वराह मिहिर ने बनाया था, तथा ये हिंदू टेम्पल के रूप में इसको पूजा जाता है या उसकी डिमांड करते हैं। सो ये एक अलग स्टोरी है दोस्तों, और ये सब देखिए पुरानी दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी, और आप यहाँ पे आके कैमरे वगैरह की शूटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फिल्म जिसका नाम है द बिग बुल, जो अभी अभी शूट हुई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने काम किया है, और उनकी जो मिसेस थी वो डिमांड करती कि हम भी दिल्ली घूमने जाएंगे, जो हर्षद मेहता के जो 5,000 करोड़ के स्कैम जिसमें इंडिया का प्रेसिडेंट भी का भी नाम आता है, तो वो वाली जो फिल्म बनी है द बिग बुल, उस मूवी का भी कुछ हिस्सा जब वो मुंबई से दिल्ली आते हैं और यहाँ पे अपनी वाइफ को लेकर आते हैं, तो यहीं पे वो अपनी वाइफ को घुमाने लाते हैं, तो कुछ फिल्म की जो शूटिंग है यहाँ पे भी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक पार्क जैसा बना दिया है जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी हैं। तो थैंक यू गाइस, चलिए जल्दी से देखते हैं एक बार और कुतुब मीनार को बहुत करीब से, फिर बताते हैं देखें कैसे निकलता है यहाँ से। ये है कुतुब मीनार और ये हूँ मैं, ये थोड़ा सा साइड कॉर्नर से लिया गया है पिक्चर है, जहाँ से पिक्चर बहुत अच्छी आती है, इस वजह से मैं यहाँ दूर खड़ा होकर पिक्चर ले रहा हूँ।
तो जल्दी से देखते हैं कुतुब मीनार को बहुत नज़दीक से और बहुत करीब। और बिल्कुल नज़दीक से टिकट लेने की मशीन आती है और ये देखिए किस तरीके से इसका बेस है, बिल्कुल नज़दीक से है, बिल्कुल ये देखिए किस तरीके से एक 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 बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाया गया है और ये बिल्कुल नज़दीक का व्यू है। लोग कितना नज़दीक जाकर फ़ोटो खिंचाते हैं देख लीजिए। और ये जो देख रहे हैं आप यहीं पे, यहीं से हम लोग बाहर की ओर जाते हैं। और एंट्री भी हम लोगों ने यहीं से ही की थी, तो चलिए चलते हैं अब बाहर। अब मैं बताता हूँ आप लोग किस तरीके से हम लोग बाहर निकलते समय क्या करना पड़ता है। देखिए दोस्तों ये जाते समय ये एक पुस्तकालय भी है इसी का, आप चाहें तो जाते समय यहाँ से जो बुक्स वगैरह हैं वो भी परचेस कर सकते हैं जिस पे यहाँ के बारे में लिखी गई हैं कुतुब मीनार के बारे में। और एक ये टीला बना हुआ है जो इजिप्ट का जो पिरामिड है उसी शेप में बना हुआ है, ये बाहर जाने का रास्ता है ये भी बना हुआ है। और आगे ये रास्ता है जाने का। और ये जो सामने एक रूम दिख रहा है वहाँ पे हम लोग जाके और जो बारकोड को हमने स्कैन करके पेमेंट किया था और एक नया बारकोड हमको जो टिकट के रूप में मिला था उसी बारकोड को हम यहाँ पे मशीन पे देखिए लाइन लगी हुई है तो वो मशीन के सामने हम ऐसे स्कैन कर देंगे तो गेट खुल जाएगा और उसके बाद हम लोग चले जाएँगे। वो मशीन लगी हुई है देखिए और ये एग्जिट गेट है। ये देखिए ये है मशीन जिसके नीचे हमें वो बारकोड मोबाइल में है तो मोबाइल से ही दिखाना पड़ता है और दिखाने के बाद गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसमें देखो टोकन खोने पर जुर्माना 100 रुपये प्रति ये दिखा और ये एग्जिट हो गया हमारा। और यहाँ सामने ही बस वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाती है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दिल्ली जाइए एक बार कुतुब मीनार ज़रूर घूम के आइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।